आज 30 तारीख है। आज साउथ कोलकाता में भवानीपुर में जो चुनाव होने जा रहा है या हो रहा है, जो चुनाव आज, ये चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे, उस रिजल्ट में हम तमाम वेस्ट बंगाल की लोगों की दुआ ममता बनर्जी के साथ में है और आने वाले दिनों में ममता बनर्जी कामयाब वोटों से जीतेगी और वेस्ट बंगाल की आन बान शान बनकर पूरे हिंदुस्तान को ये पैगाम देगी कि बंगाल की धरती से जिस तरह आज़ादी में हमारी वेस्ट बंगाल ने पूरे हिंदुस्तान को लीड किया था, आने वाले दिनों में ममता बनर्जी पूरे हिंदुस्तान को सच्चाई के रास्ते पे, हक के रास्ते पे, सच के रास्ते को दिखाएगी और हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाएगी। समाजी शख्सियत जनाब मोहम्मद वकील साहब की क़यादत में राजा बाज़ार के प्रताप हॉल में मुफ्त वकालत के सिलसिले में एक सेंटर चल रहा है, जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट के 10 एडवोकेट मुफ्त में लोगों को आईनी मशवरा देने के अलावा उनके केस भी लड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में आज वहां प्रताप हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें एडवोकेट दत्ता, मोहम्मद वकील जकी अहमद के अलावा दीगर लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें एडवोकेट दत्ता ने कहा कि वो लोगों को मुफ्त में वकालती सर्विस मुहैया करा रहे हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद वकील ने कहा कि समाज की खिदमत करना हमारा यानी हमारे अदारा हिंदुस्तान की आवाज़ का काम है और हम सब मिलकर यही काम कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इस मौका पर मौजूद एडवोकेट दत्ता, मोहम्मद वकील और जकी अहमद ने क्या कहा। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एमडी वकील, वेस्ट बंगाल स्टेट सेक्रेटरी, इन हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, हम सभी एक है ये सबको बताना है। हम सभी एक है ये सबको बताना है। कोई भी देश नहीं है हमारे भारत की तरह, कोई भी देश नहीं है हमारे भारत की तरह। सारी दुनिया को यही इंसानियत का पैगाम, इंसाफ का पैगाम सुनाना है। सारी दुनिया को यही इंसानियत का पैगाम, इंसाफ का पैगाम सुनाना है। हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़, आप तमाम लोगों का वेलकम है और ख़ास करके मैं वेस्ट बंगाल के तमाम लोगों को ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरह पिछले कई सालों से हम लोग लीगल अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं, एडुकेशनल अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स अवेयरनेस पर काम कर रहे हैं और ख़ास करके एडुकेशन अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं उन तमाम बच्चों के लिए। अब तक तकरीबन हम लोग 11,000 स्टूडेंट्स को हम लोग मोटिवेट किए, चाहे वो नॉर्थ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट हो, साउथ कोलकाता डिस्ट्रिक्ट हो, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हो, हुगली डिस्ट्रिक्ट हो, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट हो, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट हो, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट हो, वेस्ट बंगाल के तकरीबन सभी डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने जाके जो बच्चे 10th क्लास और 12th क्लास में जो बच्चे कामयाब हुए हैं, तकरीबन 2016 से हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं उन तमाम बच्चों को। और ये हमारा जिस तरह हम लोगों ने इंडिपेंडेंस वीक मनाया था, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे, पूरा हिंदुस्तान 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम तमाम लोग इस अमृत महोत्सव में ये ऐलान करते हैं कि 2 अक्टूबर को हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ख़ास करके कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के तमाम स्टूडेंट को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द हम लोग से कांटेक्ट करें, जो 10th क्लास में पास किए हैं, जो 12th क्लास में पास किए हैं, वेदर इट मे बी वेस्ट बंगाल बोर्ड, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, ऑल बोर्ड, ऑल स्टूडेंट्स आर वेलकम। उन तमाम स्टूडेंट को हमारी ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़ उनको मोटिवेट करेगी, उनको स्कॉलरशिप देगी। जब बच्चे पढ़ेंगे तभी डॉक्टर बनेंगे, जब बच्चे पढ़ेंगे तभी इंजीनियर बनेंगे, जब बच्चे पढ़ेंगे तभी एडवोकेट बनेंगे, जब बच्चे पढ़ेंगे तभी बैंक का मैनेजर बनेंगे, जब बच्चे पढ़ेंगे तभी IPS ऑफिसर बनेंगे, जब बच्चे पढ़ेंगे तभी IAS ऑफिसर बनेंगे, जब बच्चे पढ़ेंगे तभी IFS बनेंगे, जब बच्चे पढ़ेंगे तभी हिंदुस्तान का अच्छा मेंबर ऑफ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं और तमाम 135 करोड़ लोगों के लिए सोच सकते हैं, उनकी फलाह के लिए, उनके बहबूद के लिए, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए सोच सकते हैं, हिंदुस्तान को सुपर बनाने के लिए सोच सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। हम तमाम जितने भी भारत के लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब मिलकर ही भारत बनाते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया से भारत बनता है।
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़ ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है जो एजुकेशन मूवमेंट है, एक लीगल मूवमेंट है, एक मेडिकल मूवमेंट है। ख़ास करके जो लोग देखने वाले हैं, कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के लोग हो या हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोग हो, उन तमाम लोगों को, उन तमाम स्टूडेंट को ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, उसकी फ़ौज, उसकी एनर्जी, इकोनॉमिक एनर्जी से तरक्की नहीं करता है। कोई भी समाज हो, उसमें हमारे बीच जो रिलेशनशिप है, जो एक इंसान का दूसरे इंसान से रिलेशन है, उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, इखलाक से जो है वो कौम, वो समाज, वो तरक्की करता है। आज हम लोग इसी कड़ी को लेके एक लीगल अवेयरनेस का एक प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज़ करेंगे। 2 अक्टूबर, आज 30 तारीख है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख तक हम लोग जिस तरह 75वां आज़ादी के मौके पे इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट किए थे, 7 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक उसी तरह हम लोग गांधी जयंती हम लोग मना रहे हैं। इस गांधी जयंती के मौके पे एक दो बातें मैं बताना चाहूँगा, ख़ास करके जो आज हमारे लीगल एडवाइज़र आज हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं मेनी मेनी थैंक्स करता हूँ आकाश दत्ता साहब का, जो एडवोकेट कलकत्ता हाई कोर्ट है। तकरीबन 10 एडवोकेट आज हम लोग से जुड़ रहे हैं, वो हमारे लीगल एडवाइज़र बन रहे हैं। उन तमाम लीगल एडवाइज़र को लेके हम लोग जो खास करके कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, या प्रॉपर्टी का कोई वायलेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई क्रिमिनल का कोई मामला हो रहा है, या सिविल का कोई मामला, उन तमाम हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इन एसोसिएशन विद दिस ऑल रिस्पेक्टेड एडवोकेट ऑफ आइदर इट में बी सियालदा कोर्ट, बंगसाल कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट, अलीपुर कोर्ट और मे बी एनी कोर्ट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। हमारे जो लीगल एडवाइज़र है जनाब सैयद नफरुल इस्लाम साहब, जो हाई कोर्ट के एडवोकेट है एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के भी एडवोकेट है, वो हमारे लीगल एडवाइज़र होंगे। उनके नाम बताना चाहता हूँ, मिस्टर अर्जुन कुमार सिंह एडवोकेट कलकत्ता हाई कोर्ट, मिस्टर मोहम्मद शेख जाहिदुल आबदीन एडवोकेट कलकत्ता हाई कोर्ट, मिस्टर शादाब अख्तर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एडवोकेट, मिसेस प्रियंका शॉ एडवोकेट अलीपुर कोर्ट, मिस्टर मोहम्मद सरफराज मंडल एडवोकेट अलीपुर कोर्ट, मिस्टर मोहम्मद रेहान सियालदा एडवोकेट सियालदा कोर्ट, मिस्टर शेख यूसुफ एडवोकेट बंगसाल कोर्ट, मिस्टर अभिजीत कुमार एडवोकेट बंगसाल कोर्ट, मिस रूपाधर एडवोकेट सिटी सिविल कोर्ट एंड एडवाइज़र डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये तमाम एडवोकेट हमारे साथ जुड़ी हैं, दे आर आवर लीगल एडवाइज़र्स इन हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़। मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी जो एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उन तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ से जुड़िए, हक की आवाज़ से जुड़िए, सत्य की आवाज़ से जुड़िए, ताकि आने वाले दिनों में हम हिंदुस्तान को सुपर पावर बना सकते हैं। आखिर में ये मैं पैगाम दे रहा हूँ, जितने हमारे वेल विशर हैं हिंदुस्तान की आवाज़ की, या जहाँ पे भी, चाहे वो नॉर्थ कोलकाता में हम लोग जाते हैं तो वहाँ किसी एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन से मिलके हम लोग काम करते हैं, साउथ कोलकाता में जाते हैं तो वहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन और किसी क्लब से मिलके, हम उन तमाम क्लब और एनजीओ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे साथ जुड़ें, एसोसिएट होकर काम करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंसाफ दिला पाएँ, सच दिला पाएँ। जब तक हमारे समाज में वेयर देयर इज़ जस्टिस देयर इज़ प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस इन सोसाइटी, वेयर देयर इज़ जस्टिस देयर इज़ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन सोसाइटी। अगर सोसाइटी में इंसाफ है तभी वो समाज तरक्की करेगा, अमन से रहेगा, सुकून से रहेगा, भाईचारगी से रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इतना खूबसूरत हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिला है, जहाँ पे हर जाति के लिए, हर जाति और धर्म के लिए प्रोटेक्शन है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। 12 आर्टिकल से लेकर 35 आर्टिकल तक जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, वो प्रोटेक्ट करना ही हकीकत में देशभक्ति है। तमाम हिंदुस्तानियों को लिबर्टी दिया गया है, तमाम हिंदुस्तानियों को जस्टिस दिया गया है, तमाम हिंदुस्तानियों को फ्रैटर्निटी दिया गया है, तमाम हिंदुस्तानियों को लिबर्टी दिया है। इन तमाम मैं सैल्यूट कर रहा हूँ हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, ख़ास करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो फादर ऑफ द, जिस तरह हमारे महात्मा गांधी फादर ऑफ़ द नेशन है,
उसी तरीके से बी आर अम्बेडकर फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन्होंने इस बात का एहसास दिला, ये पैगाम दिया कि आज़ाद हिंदुस्तान में ये चारों जो लिबर्टी है, जस्टिस है, फ्रैटर्निटी है, इक्वलिटी है, हम तमाम लोगों को लड़नी पड़ेगी। जब तक हम नहीं लड़ेंगे, हम तमाम चीज़ों को, तमाम हिंदुस्तानियों को वो चीज़ हासिल नहीं है। हमें लड़कर वो चीज़ें हासिल करनी पड़ेगी, तभी हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक दिन हिंदुस्तान जो है वो सुपर पावर बनेगा। और ख़ास करके जो लोग जो फिरका परस्त हैं, उन तमाम लोगों को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि बाँट दिया इस धरती को, बाँट दिया इस धरती को उन चाँद सितारों का क्या होगा, बाँट दिया इस धरती को उन चाँद सितारों का क्या होगा, दरियाओं के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, दरियाओं के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, सिर्फ की गंगा भी पानी है, सिर्फ की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मज़हब क्या होगा, पानी का मज़हब क्या होगा। उस फिरका पर से पूछो जो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान जंग लगाते हैं या झमेला लगाते हैं या हिंदू मंदिर मस्जिद करते हैं, उन फिरका परस्त से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, उन फिरका परस्त से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे, एक हवा में सांस है सबकी कि क्या हवा भी नहीं चलाओगे, क्या राम ने मस्जिद तोड़ा था, क्या राम ने मस्जिद तोड़ा था या अल्लाह ने मंदिर तोड़ी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा एक ही आइडेंटिटी है, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जब तक हम लोग मुत्तहिद नहीं होंगे, एकता नहीं होगा, यूनाइटेड नहीं होंगे, हमारा हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आइए हम सब मिलकर ये अजम करते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि हम सबको मिलकर एक मजबूत भारत बनाना है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल भारत बनाना है और जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग करना है। बंगाल जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जकीर हुसैन है, मैं हिंदुस्तान की आवाज़ का प्रेसिडेंट हूँ वेस्ट बंगाल का। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जितने भी हमारे पब्लिक है जो इस वक्त देख रहे हैं, मैं आप लोग को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक ऑफिस है राजा बाजार में, तो लीगल एड जो हमारे अभी हमारे साथ आकाश दत्ता सर जो बैठे हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के हैं, और बहुत सारे एडवोकेट है जो हमारे 15 एडवोकेट है जो इस एडवाइज़र बने हैं हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ में। तो मैं आपको, बहुत सारी महिलाएं हैं, ये नहीं कि मैं महिलाएं को भी सपोर्ट करूंगा, मैं हमारे ऊपर जो जेंट्स है उसके ऊपर भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस, कुछ अदरवाइज कोई केस है, कुछ परेशानी है तो हमारे ऑफिस में आए, हम लोग उनको पूरा सहायता देंगे, पूरा सपोर्ट देंगे, और हम लोग उनके साथ पूरा लीगल एड जो भी होता है उनको सपोर्ट पूरा करेंगे, लीगल एड। तो हमारी जो पब्लिक है वो जानती नहीं लीगल एड क्या होता है, अपना अधिकार क्या होता है, उनको खुद पब्लिक को कुछ पता नहीं, तो आप हमारे ऑफिस में आए, उनका अधिकार क्या है, उनका राइट क्या है, उनको जानना जरूरी है। अभी जैसे थाना में जाएंगे वो डायरी कैसे देंगे, उनको खुद पता नहीं कि एक लेटर लिखे हैं कैसे, तो उनको ये हमारे पास जो ऑफिस में आएंगे तो उनको नॉलेज देंगे, हमारे जो सर है बहुत सारे एडवोकेट जो हैं एडवाइज़र है उनको पूरा नॉलेज देंगे और सपोर्ट करेंगे, अपना अधिकार खुद से ले, अपना लड़ाई खुद से लड़े, ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, अपना सपोर्ट अपना पावर अपने हाथ में रखे। और मैं हिंदुस्तान की आवाज़ से, हमारे 2 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, उसमें हमारे बहुत सारे एडवाइज़र है जो कलकत्ता हाई कोर्ट के, बहुत सारे बंसाल कोर्ट के, सिटी सिविल कोर्ट के, हम लोग से मिलजुल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और वेस्ट बंगाल में जितने NGO है हमारे साथ मिलजुल के हम लोग काम करेंगे। और हम लोग मेडिकल में भी काम करते हैं, मेडिकल हुआ, एजुकेशन डिपार्टमेंट हुआ और हेल्थ डिपार्टमेंट हुआ, ये हम लोग मिलजुल के हम लोग काम करते हैं, और हमारे जितने टीम है वेस्ट बंगाल में जा के हर जगह सपोर्ट देते हैं, हम मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। और एक बात बोलना चाहता, आज 30 तारीख है, आज हमारे ममता बनर्जी के भवानीपुर में वोटिंग हो चुकी है, तो मैं उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और जीत तो ममता बनर्जी की होगी चाहे कुछ भी हो जाए, और हिंदू हो मुसलमान हो, आज हिंदू प्रार्थना करे और जो मुस्लिम हो दुआ करे ममता बनर्जी के लिए, वो कामयाब हो और वेस्ट बंगाल में उन्हीं का सीट हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मेरा नाम है आकाश दत्ता, एडवोकेट, हम कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और हम जुड़े हैं हिंदुस्तान की आवाज़ के साथ एज अ लीगल एडवाइज़र, इन लोग के साथ हम जुड़े रहेंगे, और आपका कोई भी समस्या आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत पहले से स्टार्ट किए हैं हम लोग ऑफिशियली, आज से आपको बोल रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ सिविल हो या क्रिमिनल हो, कुछ भी आपका समस्या हो, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सेवा करेंगे, हेल्प करेंगे, लीगल एड देंगे।
लीगल एड देने के लिए हिंदुस्तान की आवाज़ के साथ हम लोग जुड़े हैं। हिंदुस्तान की आवाज़ के लिए आप लोग, हम लोग शायद महीने में, हफ्ते में शायद दो बार बैठेंगे, या फिर वो डेट आपको बता दिया जाएगा। और आपको अगर कांटेक्ट करना हो तो राजा बाज़ार में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हम आपको दे देंगे, फ़ोन नंबर जो आपका है हम बता देते हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और यही जो है आप लोग सबको बताइएगा, जो जो देख रहे हैं उसको भी। अब हम बोल रहे हैं कि आपका कोई भी समस्या हो, आप लोग कोई वकील अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी समस्या है, आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ जाएं कि ना जाएं, डर के मारे बैठे हैं, अब मत डरिए, अब आइए और कांटेक्ट कीजिए हिंदुस्तान की आवाज़ के साथ, हम लोग आपके साथ हैं। कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा आजकल डोमेस्टिक वायलेंस का केस बहुत बढ़ चुका है, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया है, बहुत सारा क्रिमिनल केसेस बढ़ रहे हैं कि आप लोग कंप्लेंट नहीं सही से कर रहे हैं। बहुत जगह होता है कि डिले कंप्लेंट हो जाता है, ये सब चीज़ जा ना हो, हम लोग रोक पाए, इमीडिएट जस्टिस मिल सके। जस्टिस तो मिलना चाहिए, सबका हक है, लेकिन बहुत जो डर जाते हैं कि ये क्या होगा, कोर्ट कचहरी कितना देर लगेगा, हम कर पाएंगे कि नहीं, ये सबसे मत डरिए और कॉन्टैक्ट कीजिए। अब मुँह खोलिए, सबसे बात कीजिए, हम लोग से बात कीजिए, हम आपको एडवाइस देंगे क्या करना चाहिए। हम लोग जैसे, मैं स्पेशली केसेस करता हूँ, सिविल करता हूँ, क्रिमिनल करता हूँ, डिवोर्स मैटर करता हूँ, जो भी सिविल के ही पड़ता है, और जो भी क्रिमिनल केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया वो भी क्रिमिनल के ही अंडर पड़ेगा, या फिर आपको जो सिविल डिस्प्यूट्स चलता है, टेनेंट का झामेला चलता है, कोई उठ नहीं रहा है, लैंडलॉर्ड का परेशान है टेनेंट से, ये सब चीज़ हम सब का मैटर का हम टेक ओवर करते हैं, और हम लोग हिंदुस्तान के साथ जुड़े हैं तो सब कुछ हम लोग देख रहेंगे।